चलिए बात करेंगे अब ल्यूपिन के नतीजों की। तो ल्यूपिन के नतीजे भी अच्छे रहे थे। अमेरिकी बिजनेस में कंपनी ने अनुमान से बेहतर परफॉर्म किया था। कंपनी ने पिछले 15 साल के मार्जिन फ्रंट पर बेहतर किया है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ल्यूपिन के ईडी और ग्लोबल CFO रमेश स्वामीनाथन। रमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड स्वदेश पर। आपसे ये समझना चाहेंगे सर कि आपका जो भारतीय कारोबार है, आप वहां पर आपका ग्रोथ कैसा है, और क्या कोई ऐसा सेगमेंट है जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं और जिसके बारे में आप डिटेल्स में शेयर करना चाहेंगे? Yeah, so the India business has always done very well for us. Last year, as you would know, was a COVID struck year, and we did not really have a portfolio of products for that particular part of the market. So to the extent, we might not have grown at this to the same level as perhaps a lot of people who had a cachet of products for, in fact, COVID. Remdesivir or any other products for that matter. We brought in Favipravir, but unfortunately, we didn't do as well as, say, somebody like Glenmark, who did a stellar job on that. But in a general sense, India region has always done very well for us. Even this particular quarter, it's done very well. It seems to have paled in comparison vis-a-vis the previous quarter. That's possibly because of the fact that the first quarter was abnormally great for, in fact, acute therapy products. But if you look at the quarter on growth, degrowth of 2.1% it's only because of that reason. Our overall growth when it comes to acute and chronic therapy areas have always been higher than that of the market. In fact, chronic has always been better for us. And adjusted for that, going forward also, we expect, in fact, a growth rate which would be at least 1.5 times that of the industry. Sir, आपने इस तिमाही में जो है ना ग्लोमेडजा क्लास में 1879 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोविजन लिया है। आप ये बताइए कि इसका कैश पेमेंट कब होगा, और लिटिगेशंस जो थे उसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो तो पीएनएल में आ गया है, तो इस आगे बढ़ के इसका नुकसान और कुछ नहीं होने वाला है पीएनएल में। इन सो फार एज आर कैश आउटफ्लोज आर कंसर्न्ड, इट इज ए पेमेंट अभी तो नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा। सो एंड अब मालूम होगा कि हमारे पास तो आवर ओवरऑल कैश सिचुएशन इज पर्टिकुलरली गुड, द फाइनेंशियल सिचुएशन इज वेरी स्ट्रांग। It does impact us because it is an overall very significant amount, but it's not something which is going to set us back too much really. We can certainly withstand that. What has gone wrong with this, whilst we remained confident about our litigation prospects, the fact of the matter is that the other party who was the innovator party, Bausch, which was actually in the fray, they went and settled, and if we had not done likewise, then we would be the only lone litigator out there, and the risk associated with that was considerable. We just wanted to optimize on that and actually bring down any risk associated whatsoever, and that is the only reason why we kind of settled. सर, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए इटी नाउ स्वदेश से बातचीत करने के लिए नतीजों पर और आगे के बारे में भी हमें अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। स्वाति, आप ल्यूपिन को देखिए, आज बाजार का माहौल थोड़ा सा कमजोर है और वीकेंड डेज के चलते भी थोड़ी सी लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहे होंगे। हालांकि ल्यूपिन डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ये 937 रुपए के आसपास, और ये वो स्टॉक है जो फार्मा में लगातार हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स इसको रेकमेंड करते रहे हैं। ल्यूपिन को देखकर बताइए कि इसके टेक्निकल चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, और क्या ये 1000 रुपए की जो का स्तर है उसको कब तक छू लेगा, इसकी क्या संभावना बन रही है? जी अभिषेक, ओवरऑल टेक्निकली स्पेसिफिकली बात करूं तो वीक है चार्ट, तो हमेशा लो टॉप स्लो बॉटम में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है फिलहाल। तो काफी दिनों से, काफी महीनों से, 3 महीनों से ऑलमोस्ट 50 डेज मूविंग एवरेज का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मुझे लगता है इसमें फिलहाल तो 960 लेवल के काफी स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस लेवल फेस कर रहा है। जब तक उसके पार ही एटलीस्ट 1 से 2 दिन सस्टेन नहीं होता है, तब तक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर जिनके पास भी लोअर लेवल का बाइंग है तो डेफिनेटली करंट लेवल पे मेरी राय होगी कि उन्होंने प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा, बट ये काउंटर को 960 लेवल का ब्रेकआउट देने तो फिर हमें काफी अच्छी वन साइड रैली देखने मिल सकती है, विच माइट टेक अ टॉप टू स्टॉक टूवर्ड्स 1100 लेवल्स आल्सो। ठीक है,
तो मौजूदा स्तर पर खरीदारी की सलाह नहीं है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। हालांकि नतीजों के बाद शेयर में एक आज अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। स्वाति, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए।